जॉयसिस रेसिपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरी नए रेसिपी को देखने के लिए। आज हम बनाएंगे चना शाक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चने के शाक को अच्छे तरह से धोकर साफ कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से छोटा छोटा करके काट लीजिए। सीम लीजिए, सीम को अच्छे तरह से धोकर साफ करके इस तरह से काट लीजिए, छोटा छोटा करके इस तरह से काट लीजिए। गरम तेल में नमक डालिए, थोड़ा सा हल्दी डालिए, अच्छे से हिलाइए, सीम डालिए, सीम को अच्छे तरह से फ्राई कर लीजिए। देखिए फ्राई हो गया, अभी इसको एक बर्तन में ले लीजिए, उसी तेल में कद्दूकस किया हुआ अदरक डालिए, अदरक को हल्का फ्राई कर लीजिए, अच्छे से हिलाइए, थोड़ा सा नमक डालिए, अच्छे से मिला लीजिए। अभी चना शाक डाल दीजिए, ऊपर नीच करते हुए इस तरह से अच्छे से हिलाइए। गैस फ्लेम को हाई कर दीजिए, नीच करते हुए इसको फ्राई कीजिए इस तरह से। गैस फ्लेम को हाई रखिए, हाई फ्लेम में फ्राई कीजिए, इसी तरह से 2 मिनट तक पकने दीजिए। देखिए पानी सूख गया है, धीरे धीरे इसी तरह से हिलाते हुए और 2 मिनट तक फ्राई कीजिए। अच्छे से हिलाइए, देखिए पानी सूख गया है। अभी इसमें हरी मिर्च डालिए, अच्छे से हिलाइए, नहीं तो नीचे लग जाएगा। हरी मिर्च डाल के 1 मिनट तक फ्राई कीजिए, अच्छे से हिला लीजिए। फ्राई किया हुआ सीम डालिए, अच्छे से सब्जी को मिक्स कर दीजिए इस तरह से। मीडियम फ्लेम में 1 मिनट तक फ्राई कीजिए, गैस फ्लेम को बंद कर दीजिए। टुडेज रेसिपी चना शाक इज रेडी।